पहले मुझे शक हुआ कोई और है, पर ये तो तुम ही हो। मुझे तो कोई शक नहीं था, दूर से पहचानिए था कि तुम ही हो। बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं, बदल तो काफी गया हूं मैं। तुम सुनाओ, कैसे हो, कहाँ होते हो आजकल, क्या चल रहा है? सब ठीक है। तुम्हारी सियासत कैसे जा रही है? अब तो खत्म होने वाली है, नए इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं। भाभी कैसी है? बिल्कुल ठीक। शारिक और शहरयार बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे साथ प्लान बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम कभी वजीरस्तान होते हो, कभी चोलिस्तान। एक जगह टिक के बैठ जाओ ना फौजी। शादी वादी कर ली? एक्चुअली करने वाला हूँ अगले महीने, तो उसी की तैयारियों में जरा बिजी हूँ। ग्रेट, किससे? दुआ से। मुबारक हो। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ इतने साल बाद मिल रहे हैं, गले नहीं लगाओगे? ये तुम कह रहे हो। मैंने ताल्लुकात ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तूने तो माफी मांगने का भी हक छीन लिया। तूने हरकत ऐसी की थी? मुझे टाइम लग गया माफ करने में यार। सही है, माना, दुआ के घर रिश्ता भेजना घटिया हरकत थी। अरे सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ बोल, जिस बात पे तूने थप्पड़ मारा था, मुझे घर से बाहर निकाला था, याद है वो बात? नहीं है तो याद कर। मैं और शहरयार अपने फायदे के लिए गए थे दुआ से मिलने, तेरी बात करने गए थे। अब यार गुस्सा अपने करीबी दोस्तों पर नहीं निकालूंगा तो किस पे निकालूंगा? हाँ तेरी वजह से अकेला रह गया मैं साथ। बहुत महंगी पड़ गई तुझसे दोस्ती। तू जानता है तुझे मेरी नहीं, मुझे तेरी ज्यादा जरूरत थी। जानता हूं तेरी यादों के ये मौसम भी। या तू थक नहीं गया? किससे? ये सारा इस साल बर्बाद हो गए इस नफरत पर। हमारी ट्रेजेडी पता क्या है? ना तू कुछ कहने के लिए तैयार था, ना मैं सुनने के लिए। और अब जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए, तुम्हारा हर शिकवा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। पर अब भी अगर हम ना कुछ कह सके, ना कुछ सुन सके, तो यार जिंदगी से हमने कुछ नहीं सीखा, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। मैं एक बात जानता हूँ, तू मेरा भाई है। ये तू मेरा